दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे Realme 8 और 8 Pro की लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पता लग रहा है कि ये फोन हमें 24 मार्च को रिलीज होते हुए देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, Realme 8 और 8 Pro हमें इंडिया में 24 मार्च को देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी तक ये कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि Realme 8 सीरीज एक 5G सीरीज के साथ आएगी, 5G के साथ आएगी या 4G के साथ आएगी, इसके बारे में अभी कोई भी परमानेंट पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हमें अभी तक। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ना ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे कि Realme हमें अभी 4G फोन क्यों दे रही है, हमें 5G फोन क्यों नहीं ला रही Realme 8 सीरीज के अंदर। तो दोस्तों आपको पता है कि Realme के एक हेड ने वहां पे ट्वीट कर दिया, उसको एक बंदे को रिप्लाई कर दिया कि आपको किसने कहा है कि Realme 8 सीरीज 4G के साथ आएगी, आपको किसने कहा है। इससे उन्होंने बिल्कुल क्लियर ही कर दिया कि Realme 8 सीरीज में आपको एक फोन तो पक्का 5G देखने को मिलेगा ही। तो दोस्तों ये मुझे एक काफी ज्यादा अच्छी बात लगी कि Realme 8 सीरीज के अंदर भी Realme अपना एक 5G फोन जरूर लेके आएगी। बाकी दोस्तों अब अगर हम दोनों फोन्स की मेन हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की। तो दोस्तों ये पूरे चांसेस हैं कि Realme 8 के अंदर आपको Helio G95 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और जो Realme 8 Pro होगा उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 720G या 750G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि दोनों फोन्स हमें 4G स्मार्टफोन्स होंगे। जी हां दोस्तों, अगर Realme 8 Pro 5G के साथ लॉन्च हुआ इंडिया में तो दोस्तों इसमें आपको MediaTek Dimensity 800U या MediaTek Dimensity 1000 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि Realme X7 Pro के प्राइस के साथ वो कंपीट करेगा, Realme X7 Pro के प्राइस के जैसे उसका प्राइस होगा इंडिया में। और दोस्तों अब अगर हम बात करें दोनों फोन्स के कैमरास की तो दोस्तों Realme 8 के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है और जो Realme 8 Pro होगा उसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। सैमसंग का कैमरा होगा उसमें, जी हां दोस्तों वो भी क्वाड कैमरा सेटअप होगा Realme 8 Pro के अंदर भी। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बैटरी की बात करें तो दोनों फोन्स में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और जो Realme 8 होगा वो अपने साथ 30 वोल्ट की रैप चार्जिंग का सपोर्ट लेके आएगा और जो Realme 8 Pro होगा उसके साथ आपको 65 वोल्ट की डार्ट चार्जर का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम डिस्प्ले की बात करें दोनों फोन्स में तो दोनों फोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, Realme 8 के अंदर आपको सुपर एमोलेड 60Hz का पैनल देखने को मिलेगा और जो Realme 8 Pro होगा उसमें आपको 90Hz या 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों फोन्स एंड्रॉइड 11 पर रन करेंगे, दोनों फोन्स में Realme UI 2.0 होगा। जी हां दोस्तों, बाकी अब देखना तो यही है कि ये दोनों फोन्स Realme अपने किस प्राइस रेंज के साथ लॉन्च करती है। अगर इन लोगों ने थोड़ी सी भी ज्यादा प्राइस रेंज लगी तो ये इंडिया में Redmi Note 10 सीरीज को टक्कर नहीं दे पाएगी। जी हां दोस्तों, इसलिए इनको इस सीरीज की प्राइस थोड़े से कम रखने पड़ेंगे अगर इन्होंने इंडिया में अपनी सेल्स को ज्यादा इंक्रीज करना है, अच्छी तरह अपनी सेल्स को बढ़ाना है। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है ये दोनों फोन Realme अपने इंडिया में कब लॉन्च करेगी, किस तारीख को लॉन्च करेगी और अपने साथ ये दोनों फोन क्या क्या लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।